हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपीरिया। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप ये लॉकडाउन के समय में अपना टाइम यूटिलाइज अच्छी तरह एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हो, ताकि आपको आगे जाके ये जो टाइम है आप वेस्ट ना करो, आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा इस ये आपकी बहुत मदद करो, आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी हो। तो मैं आपको लगलू सोचता हूँ जिससे आप अपने ये जो लॉकडाउन टाइम है उसमें आप एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे और आगे जाके जो जिससे आप आपकी आगे जाके बहुत मदद होगी। तो पहले पहले हमारे अलग अलग वेज हैं। तो पहले हमारे पास आप अलग अलग चीज़ें सीख सकते हैं। तो पहले ही हमारी चीज़ है कि आप कोडिंग सीख सकते हैं। जैसे बहुत वेबसाइट्स होते हैं और मैं भी अपने चैनल पे आपको कोडिंग सिखा रहा हूँ फ्रीली। तो आप कोडिंग सीख सकते हैं, क्योंकि जैसे क्या हुआ था आजकल कंप्यूटर आ रहा है और आगे जाके कोडिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि हर काम कंप्यूटर्स के साथ होएगा। तो आप कोडिंग सीख सकते हैं, क्योंकि ना चाहे ये कोडिंग आपकी फील्ड में हो ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपको फिजिक्स अच्छी लगती है तो आप कोडिंग सीख अगर आप तो आप सोचोगे कि मुझे तो फिजिक्स अच्छी लगती है, मैं कोई कोडिंग सीखूँ। पर कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे को सीखनी चाहिए। और स्टीव जॉब्स ने कहा था, कोडिंग इज़ अ थिंग डैट एवरी वन शुड लर्न बिकॉज इट हेल्प्स अस टू थिंक क्रिएटिव। मतलब कि हमें कोडिंग सीखनी चाहिए, हर बंदे को कोडिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है और हमें क्रिएटिव थिंकिंग भी बढ़ाती है और हमें क्रिएटिव सोचने लग पड़ते हैं। आप कोडिंग सीख सकते हैं और हमेशा जैसे हम कहते हैं नॉलेज इज़ वेल्थ। तो आप कोई भी चीज़ जरूरी नहीं आपकी फील्ड के ना अकॉर्डिंग वो नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कोई भी फील्ड की नॉलेज करो जो आपकी फील्ड में मैच नहीं करती, तो भी वो बहुत आगे जाके आपको हेल्प करेगी। तो पहले था हमारे पास वे आप एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो अपने टाइम को कोडिंग करके। और अगले आप इंग्लिश लर्न कर सकते हो। आप जैसे बहुत यूट्यूब चैनल्स हैं जो इंग्लिश सिखाते हैं और नए वेबसाइट्स हैं जो इंग्लिश सिखाते हैं, और हर कोई बंदा इंग्लिश सीखना चाहते हैं। जैसे अब मोस्टली लोग आप में से कई के लोग आप में से बाहर जाना चाहते होंगे, तो बाहर जाने के लिए इंग्लिश चाहिए होती है। तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं और इस टाइम को एफिशिएंटली इंग्लिश सीखने में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे अगर आप जैसे अब आपकी अगर ग्रोइंग एज है तो आपको आगे जाके इंग्लिश की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने कोई अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ली तो उधर मोस्टली बच्चे इंग्लिश बोलेंगे, तो आप भी अगर आप इंग्लिश अच्छी तरह बोलने पाए तो आपको मुश्किल आएगी। तो इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो इंग्लिश सीखने में। तो अगला हमारे पास थर्ड वे है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो। ऑनलाइन कोर्स मतलब कि कोई भी चीज़ पे आप कोर्सेज ले सकते हो, चाहे वो कोडिंग हो गया, चाहे आप बिजनेस को अपने आपको अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो मेडिटेशन पे, अपने फिटनेस को और अपने पर्सनल ग्रोथ से अलग अलग कोर्सेज ले सकते हो। और ऐसे बहुत से यूट्यूब में फ्री चैनल्स हैं जो फ्री वीडियोस हैं, वेबसाइट्स भी हैं फ्री जो ये चीज़ें सिखाती हैं। तो अगले हमारे पास आप जैसे अब आप में से कई लोग नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे अलग अलग मूवीज़ देखते होंगे, तो मैं ये नहीं कहता कि मूवीज़ देखने गलत बात है। ये मूवीज़ हमारे एंटरटेनमेंट भी करती है, टाइम स्पेंड भी हमारा अच्छा हो सकता है। पर अगर हमें देखनी है तो हम क्यों ना मोटिवेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल मूवीज़ देखें, क्योंकि इससे हमें इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी और आगे जाके हम सही गाइड होंगे और हमें आगे जाके बहुत हेल्प होएगी लाइफ में, हम बहुत सक्सेसफुल भी बन पाएंगे। तो ऐसी कई की जैसे बहुत मोटिवेशनल मूवीज़ हैं, आप यूट्यूब पर डाल सकते हो, कई मोटिवेशनल मूवीज़ बता देंगे। और अगर आपने नेटफ्लिक्स अगर आपके पास नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम नहीं है, तो आप जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि आप कोई भी मूवी या सीज़न डाउनलोड कर सकते हो ये वेबसाइट को यूज़ करके, तो वो वेबसाइट को आप यूज़ करके कोई भी मूवी या सीज़न नेटवर्क, चाहे वो थिएटर में लगी हुई मूवी, चाहे वो अमेजोन प्राइम पे हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स पे हो, आप उधर वो वाली वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। तो वो तीन वीडियो हैं और तीन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप देख पाएँ और आप अच्छी अच्छी मूवीज़ डाउनलोड कर पाएँ। और अगला है हमारे पास पॉइंट बुक्स। आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं। जैसे आजकल मैं भी बहुत सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स पढ़ रहा हूँ, जैसे अब सेल्फ इंप्रूवमेंट और बिजनेस बुक्स पढ़ रहा हूँ, जैसे हो गया रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, अलग अलग बुक्स होगी, और द मॉन्क हू सोल्ड हिज स्टोरी, और ऐसे आप अलग अलग बुक्स पढ़ सकते हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि आपने बहुत जगह सुना होगा कि रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, और जैसे अगर आप रीडिंग करोगे तो आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी। और स्कूल की बुक्स के अलावा भी हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि स्कूल की बुक्स सब पढ़ते हैं और हमें कुछ अलग करना चाहिए, तभी हम दुनिया से अलग बनेंगे।
और तो सही, यही मैंने इस वीडियो में आप बताया था कि आप कैसे लॉकडाउन में अपना टाइम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो, ताकि आप में आपको फ्यूचर में बहुत उसका आप लाभदायक रहो उससे और आपको बहुत फ़ायदा मिले। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और अगर आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिले और सही गाइडलाइंस मिली हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर भी कर देना, ताकि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स भी ये वीडियो देख पाए और अपना ये लॉकडाउन का टाइम एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।